हे गाइस नहीं बोलूंगा क्योंकि बोरिंग लगता है। सो हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शहजादा का रिव्यू। सोच रहा हूँ कि क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत ही पकाऊ थर्ड क्लास अडॉप्टेड फिल्म है ये। एक बार फिर रोहित धवन, जिनको अपनी फिल्मों में डेब्यू करना था, डेविड धवन के बेटे, तो उन्हें डेब्यू करना था। वो साउथ की फिल्में देखना स्टार्ट की, जैसे कि हर डायरेक्टर बॉलीवुड का करता है, तो उन्होंने भी साउथ की फिल्में देखना स्टार्ट करी। उसमें से उन्हें कुछ मसाला पसंद आया, जिसमें थी एक अल्लू अर्जुन की फिल्म, जिसका एक गाना सुना होगा आपने, बुट्टो बम्मा। तो उस फिल्म को कॉपी किया गया है शहजादा जनता माफ नहीं करेगी। में। सीन टू सीन, डायलॉग टू डायलॉग कॉपी किया गया है, कैरेक्टर्स बदल दिए गए हैं, मगर पूरी फिल्म कॉपी है। और ये कहूंगा कि पथेटिक कॉपी है, बहुत ही बुरी तरीके से जो है इस चीज़ को कॉपी किया गया है। फिल्म का जो चार्म था, जो डायलॉग्स थे, मतलब इट्स अ फर्स्ट कॉपी ऑफ एवरीथिंग, ये आप कह सकते हैं। फिल्म के स्टोरी की हम बात करें तो बस ये है कि बिट्टू नाम का एक लड़का रहता है, बंटू नाम का, सो सॉरी, बंटू नाम का एक लड़का रहता है। वो जो है एक गरीब घर में रहता है, फिर उसको पता लगता है कि वो तो इस बड़े घर का बेटा है, तो फिर वो कैसे अपने आप को क्लेम करता है, अपने आप को और उस फैमिली को बचाता है। बस यही घिसी पिटी कहानी है। फिल्म के लीड रोल में है कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन जो जिन्होंने फ्रेडी जैसी आउटस्टैंडिंग फिल्म बनाने के बाद में, उस फिल्म में एक्ट करने के बाद में, उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट चुनी है। आई नो वो इन सारी फिल्मों में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉन्ट टू एंटर इन द मास सिनेमा, मगर द फैक्ट इज अगर आप अच्छी चीज़ बनाओगे तो ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो कोई ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को। और वो ही देखने को मिला जब हम थिएटर पहुंचे, तो वहां पे सिर्फ चार लोग थे, हम दो और दो शायद वहीं के एम्प्लॉय थे जो फिल्म का मजा ले रहे थे, मतलब मजा तो कुछ लेना नहीं था। हाँ, तो बात करेंगे कार्तिक आर्यन की। फिल्म में कार्तिक आर्यन है एज एन बंटू, कृति सेनन है एज एन समारा। कुछ खास काम नहीं है, एक्टिंग भी जैसी करती आई है, उनकी कोई भी फिल्म उठा लो, कृति सेनन ने हमेशा एक जैसी एक्टिंग करी है। शी इज वेरी मेंटेन्ड इन एक्टिंग एंड इन द फिजिक एज वेल। ओ यार यार ये कितनी औसम है। परेश रावल हमेशा से अच्छा काम करते आए हैं, इस फिल्म में भी अच्छा ही काम किया है, अपनी तरफ से उन्होंने बेच दिया है। मनीषा कोयराला को देखकर स्क्रीन पे अच्छा लगता है, रोहित रॉय का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, राजपाल यादव जब भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे आपको हमेशा हंसी आएगी। और डायरेक्शन की अगर बात करें, एक अडॉप्टेड फिल्म में डायरेक्टर के पास में अडॉप्ट करने के लिए क्या होता है, इट्स जस्ट यू हैव टू प्ले द फिल्म, आपको वो फिल्म चलानी होती है स्क्रीन पे और एक्टर्स को बोलना होता है कि आप एज इट इज़ उसकी एक्टिंग कीजिए, क्योंकि ये फिल्म जो है पूरी तरीके से कॉपी की गई है। हर एक सीन, हर एक डायलॉग, हर एक आर्टिस्ट को समझा दिया गया है कि आपको किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह एक्टिंग करनी है, सारी चीज़ें जो हैं उस तरीके से दी गई हैं। तो डायरेक्शन जो है वो फिल्म का मैं ठीक ठाक ही मानूंगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और रही बात फिल्म के म्यूज़िक की, प्रीतम का म्यूज़िक है, म्यूज़िक कुछ गाने बहुत ही रिफ्रेशिंग है, कुछ गाने बहुत बोरिंग है, कैरेक्टर ढीला का वापस से रीमेक कर दिया गया है। तो फिल्म को देखने के बाद में आपको बस ये ही लगेगा, ड्यूरिंग द फिल्म, फिल्म स्टार्ट होते ही 15 मिनट्स में आपको ये फील होने लग जाएगा, मुझे घर जाना है। आपके डिसीजन पे गुस्सा आएगा कि आप ये फिल्म देखने क्यों आए हैं, हमारी मजबूरी थी, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, इस देश के समझदार नागरिक बनिए और ये फिल्म को अवॉइड कीजिए। ये था मेरा रिव्यू शहजादा के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।